छात्रों, अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर 5 में गरीबी पर आप पर का आधारित था, जिसका पूर्व पाठ योजना पर विचार स्मरण हेतु निम्नलिखित शीर्षक जैसे लॉरेंज वक्र, गिनी वक्र, गरीबी के प्रकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी का वर्णन किया गया है। इसमें विस्तार पूर्वक आपको समझाया गया है और उन्हें ध्यान से देखें। अगला, भारत में निर्धनता के विशेषण किया गया, दादा नौराजी और नीलकांत बीपी एम रथ के विचार ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता पर तमाम समितियों की रिपोर्ट जैसे पंडित सुरेश चंद तेंदुलकर और सीबी रमन की रिपोर्ट आदि। धन्यवाद। हाँ, आपको अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको अर्थशास्त्र की जो है भारतीय वित्तीय प्रणाली के विषय में आपको अध्ययन कराया जा रहा है। बच्चों ध्यान से समझिए, सबसे पहली हेडिंग आपकी पाठ योजना, क्योंकि पाठ योजना के तहत आपको समस्त बिंदुओं का अध्ययन करना होगा जो आपको दिए गए हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे भारतीय मुद्रा बाजार का, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे दूसरी जो हेडिंग है आपकी विकास संबंधी रिजर्व बैंक के कार्य, तीसरी जो हेडिंग आपके सामने प्रेस हो रही है भारतीय बाजार में पूंजी के स्रोत, और पांचवी जो हेडिंग आपके सामने प्रेस हो रही है मौद्रिक तरंग। इसी आधार पर हम जो है आपको इसका विश्लेषण आपको करके बताएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर आपका पेज नंबर 1 है, भारतीय वित्तीय प्रणाली एक ऐसी संस्था ऐसी व्यवस्था से है जिसका व्यक्तियों वित्तीय संस्थाओं बैंकों और औद्योगिक कंपनियों से है। यानी कि हम अब वित्त की बात करें तो वित्त जो है व्यक्तियों की वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंक है और औद्योगिक कंपनियां हैं, इनसे प्राप्त होता है, तथा सरकार के द्वारा वित्त की मांग होती रहती है तथा उसकी पूर्ति की जाती है। विभिन्न मदों में विभिन्न पक्षों के द्वारा हम उसकी पूर्ति करते हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली के दो प्रमुख पक्ष हैं, पहला मांग पक्ष पूर्ति तथा दूसरा है पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेश, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियों व सरकार आदि करती है वित्तीय व्यवस्था है, जबकि पूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं करती हैं। भारतीय वित्त प्रणाली के दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। नंबर 1 जो भाग है वो भारतीय मुद्रा बाजार, कौन सा भाग? भारतीय मुद्रा बाजार। नंबर 2 भारतीय पूंजी बाजार, ये हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर प्लस, नंबर 1 भारतीय मुद्रा बाजार को हम 3 भागों में बांटा जा सकता है या हम बांट सकते हैं, असंगठित बाजार, संगठित बाजार तथा मुद्रा का उपबाजार। असंगठित बाजार के अंतर्गत देश का बैंकर, साहूकार तथा महाजन आते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। परंपरागत स्रोत माने गए हैं इनके, ग्रामीण और कृषि साथ में इनकी बहुत अधिक भूमिका होती है। संगठित बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक शीर्ष संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक। इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के निजी बैंक, निजी क्षेत्र बैंक तथा विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं आती है। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मौद्रिक गतिविधियों का निर्गम का निर्माण करती है। भारतीय रिजर्व बैंक के 2 प्रमुख कार्य हैं, यानी कि बैंकों के भी कार्य होते हैं, तो बैंक जो कार्य करती है वो 2 प्रकार के कार्य, 2 कार्य हैं। पेज नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। नंबर 1 सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य, सामान्य केंद्रीय यानी कि गवर्नमेंट का केंद्रीय कार्य, तथा दूसरा विकास संबंधी कार्य और परिवर्तन कार्य।
विकास करना और समाज में होने वाले परिवर्तन प्रदान करना, ये वित्तीय व्यवस्था का कार्य बैंक के कार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर एक, करेंसी नोटों का निर्गमन करना या निर्माण करना। नंबर दो, सरकारी बैंकरों का काम करना। नंबर तीन, बैंकों के बैंक का काम करना, यानी बड़ी छोटी छोटी जितनी बैंक है उन बैंकों का भी एक बैंक है। नंबर चार, विदेशी विनिमय को नियंत्रण करना। नंबर पांच, सात नियंत्रण एवं छह आंकड़ों, नंबर छठवां, आंकड़ों का संरक्षण करना या प्रकाशन करना। विकास संबंधी और परिवर्तन कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक बैंक के निम्न कार्य किए जाते हैं, बैंक के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। नंबर एक, मुद्रा बाजार का प्रतिबंधक या नियंत्रण करना। नंबर दो, बचतों बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध व्यवस्था करना। नंबर तीन, लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना आदि। नंबर दो है, भारतीय पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से इस बात पर निर्भर है या भिन्न है, सॉरी इस बात से भिन्न है कि मुद्रा बाजार अल्पावधि की वित्तीय व्यवस्था का बाजार है, छोटी सी समय की वित्तीय व्यवस्था का बाजार है, जबकि पूंजी बाजार में मध्यम तथा दीर्घ के कोष का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि बड़े बड़े मदों का, बड़े बड़े पैसे का आदान प्रदान किया जाता है, बड़ी बड़ी मदें, बड़ी कंपनियों को पैसा देना, मुहैया कराना। आपकी स्मृति पेज नंबर चार फ्लैश हो रहा है, इसमें भारतीय पूंजी बाजार को मोटे तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं या बांटा जाता है, गिल्ड एवं बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। गिल्ड एवं बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उनका क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ड एवं बाजार में सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों और डिबेंचर का क्रय विक्रय किया जाता है। यदि पूंजी बाजार में निजी निगम क्षेत्र के नए अंगों और डिबेंचर सरकारी कंपनी का प्राथमिक प्रतिभूति या नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड्स के निर्माण का कार्य किया या क्रय विक्रय किया जाता है, तो ऐसे बाजार को हम प्राथमिक बाजार या पूंजी बाजार कहते हैं, यानी कि पूंजी का जो बाजार है जिसमें पूंजी लगाई जाती है उसे पूंजी बाजार कह रहे हैं। अगला बच्चों, पेज नंबर आपका पांचवा फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, देखिए सबसे पहले द्वितीय पूंजी बाजार के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले क्रय विक्रय तथा गिल्ड एवं बाजार में होने वाले क्रय विक्रय। भारतीय पूंजी बाजार में पूंजी के स्रोत हैं अंश पूंजी, ग्रहण पत्र, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनियां जो लीज पे किराए पे होती कंपनियां, जोखिम तथा पूंजी कंपनियां आदि होती हैं। महत्वपूर्ण तथ्य एवं शब्दावली, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल कब से मनाया जाता है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल
से 31 मार्च तक का होता है। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून है। भारत में मौद्रिक नीति एवं सात नीति भारत में रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक है। भारत में मौद्रिक नीति एवं सात नीति रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती है और लागू की जाती है। भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित तथा प्रकाशित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर में कमी के कारण बाजार में तरलता में वृद्धि होती है। सार्वजनिक बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सामूहिक सबसे बड़ा बैंक है, जो कुल बैंक जमा का लगभग 29% का नियंत्रण किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु, ग्रामीण बैंकों का गांव के विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली एक सबसे बड़ी या शीर्ष संस्था है। कृषि विकास बैंक मुख्यतः दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है, बहुत लंबे समय तक की साख उपलब्ध कराती है, जैसे 5 साल 10 साल 20 साल तक होने वाली साख कराती है। भूमि विकास बैंक का आरंभ भूमि बंधक बैंक के रूप में 1919 में हुआ था। भूमि विकास बैंक की स्थापना 1919 में हुई थी। अब अगला पेज छठवां पेज आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 में हुई थी। माइक्रो फाइनेंस यानी छोटा फाइनेंस, कम पैसा की बढ़ती हुई मांग एवं उपयोगिता को देखते हुए इसके विनिमय विकास बैंक के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक को नियामन निकाय बनाने का सरकार का विचार है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा बीमा कंपनी पर नियंत्रण किया जाता है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखता है, यानी कि बैंक के जो कार्य होते हैं उन्हें वो करता है, उसमें छोटी छोटी बैंकों पर कंपनियों पर नजर भी रखता है और विकास के कार्य में अपने धन का जो है प्रयोग उनकी छोटी छोटी मदों के रूप में करता है। पेज नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर फ्लैश है। अब मौद्रिक दर CRR यानी कि नगद आरक्षण अनुपात, CRR वह धन है जो बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गारंटी के रूप में रखना होता है, यानी गारंटी के रूप में जो धन रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समझ गए। चलिए नंबर 2 बैंक दर, जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, व्यापारिक बैंकों को जो उधार देता है बैंक दर कहलाती है, जिस दर पर पैसा उधार देता है वो बैंक दर कहलाती है। नंबर 3 वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR किसी आपात देनदारी को पूरा करने के लिए वाणिज्य बैंक अपने प्रतिदिन कारोबार का नगद सोना और सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश के रूप में साख रकम रिजर्व बैंक के पास जमा करा। जिस SLR कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, SLR कहते हैं। नंबर 4 रेपो रेट क्या है। रेपो दर वह है जिस पर बैंकों को कम अवधि के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज मिलता है।
उसे हम रेपो दर कहते हैं। रेपो रेट कम करने से बैंकों का कर्ज मिलना आसान हो जाता है, यानी कि बैंकों को ब्याज कम देनी पड़ती है तो उनको आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है। पेज नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर 5 रिजर्व रेपो रेट, यानी कि बैंकों का रिजर्व बैंक के पास जमा जो धन होता है उसके उपरांत जिस दर से ब्याज मिलता है वह जिसकी दर से ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रिवर्स माने वापस ब्याज पर ब्याज मिलता है पर रेपो रेट कहा जाता है। लीड बैंक योजना जिले के अर्थव्यवस्था के सुधारने के उद्देश्य से इस योजना का आरंभ 1969 ईस्वी में किया, जिसके तहत प्रत्येक जिले की लीड बैंक को हुआ लीड बैंक मतलब आगे बढ़ी हुई है अन्य बैंकों की सहायता के साथ साथ कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। निष्पादन बजट कार्यों के परिणाम स्वरूप तथा निष्पादन को आधार बनाकर निर्मित होने वाले बजट निष्पादन कहते हैं, यानी कि इसका बजट बनाकर उस पर निष्पादन किया जाता है, उसको घटाया कम किया जाता है, उसे हम निष्पादन बजट कहते हैं। इसे कारपूर्ति बजट भी कहते हैं, जीरो बेस बजट। इस बजट की किसी विभाग या संगठन की प्रस्तावित व्यय मांग में प्रत्येक मद को शून्य मानते हैं, मद खर्चा शून्य हो जाता मानते हैं तो पुनः मूल्यांकन किया जाता है। भारत में इसे सर्वप्रथम काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिवर्स, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो CISR में लागू किया गया और उसे 1987 और 88 में सभी विभागों के मंत्रालयों में लागू किया गया। ठीक है, इसके बाद अगला पेज 9वां पेज आपके सामने है, आउटकम बजट। इसके तहत प्रत्येक विभाग मंत्रालय के भौतिक लक्ष्यों को एवं अल्प अवधि में निरीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए रखा जाता है। जेंडर बजट, इस बजट के माध्यम से सरकार महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि का प्रावधान बजट में करते हैं। अब बात करते हैं अगला, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर वह कर है जिससे स्थापित करता यानी सरकार और सरकार करदाता के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है, अर्थात जिसके ऊपर कर लगाया जा रहा है वो सीधा वही व्यक्ति भरता है जिस पर वो कर लगाया जाता है, उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या है, वह कर जिसे स्थापित करता यानी सरकार द्वारा भुगतानकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, अर्थात जिस व्यक्ति या संस्था पर यह कर लगाया जाता है उसे किसी अन्य तरीके से प्राप्त किया जाता है या दूसरों से प्राप्त किया जाता है। राजस्व घाटा, सरकार को प्राप्त कुल राजस्व एवं सरकार द्वारा व्यय किए गए कुल राजस्व का अंतर ही राजस्व घाटा। अब आपके स्क्रीन पर बस मैं ज्यादा नहीं, एक और है, इसी को चैप्टर को मैं यहां पर समाप्त करूंगा। पेज नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, राजकोषीय घाटा। सरकार को भी घाटा होता है, सरकार के कोष में भी कमी आ जाती है। सरकार के लिए कुल प्राप्त राजस्व अनुदान और गैर पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना होने वाले कुल व्यय को अतिरेक है, अर्थात आय प्राप्तियों के संदर्भ में व्यय कितना अधिक है, यानी आमदनी से अगर ज्यादा जब व्यय हो जाता है उस स्थिति। बॉन्ड अथवा डिवेंचर ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिन्हें हम केंद्र
सरकार, राज्य सरकार अथवा कोई संसाधन जारी करता है। इन ऋणों को, इन ऋण पत्रों को एक निश्चित अवधि पर निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है। प्रतिभूति क्या है? वित्तीय पर संपत्तियों जैसे शेयर, डिबेंचर व अन्य ऋण पत्रों के लिए संयुक्त रूप से प्रतिभूतियों का, प्रतिभूति शब्द का प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग में भी ऋणों को, ऋणों की जमानत है के संदर्भ में प्रतिभूति शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आगे जो पाठ आपके जो आएगा उसके विषय में भी आपको मैं थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। चलिए।